अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं जी? ठीक ठाक। यकीनन आपकी तबीयत बेहतरीन होगी। तो आज हम लोगों ने कुछ बेसिक टॉपिक पढ़ने हैं फर्स्ट चैप्टर के, तो देखते हैं आज हमारे पास क्या है। सबसे पहले प्रीसिएशन। प्रीसिएशन आखिरकार हमारे पास किस चीज को कहा जाता है? कहता है अ सीरीज वाइज जो मेजरमेंट होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रीसिएशन कहते हैं। मेजरमेंट सीरीज वाइज, ठीक है। तो सीरीज वाइज मेजरमेंट, मिसाल के तौर पर हमारी क्लास में तीन स्टूडेंट हो, एक स्टूडेंट जिसका नाम एक से, उसे कहा जाए कि इस बोर्ड की आप मेजरमेंट करें। जब वो मेजरमेंट करने लग जाए तो अब उसने एक इस बोर्ड का मिसाल के तौर पर मेजर किया है, वो वैल्यू निकाली है 5.9 सेंटीमीटर। दूसरा स्टूडेंट आ जाता है, वो स्टूडेंट हमें कहता है कि भाई सर मैंने वैल्यू जो निकाली है वो है 5.8 सेंटीमीटर। तीसरा स्टूडेंट हमारे पास आ जाता है, वो यहाँ पर खड़ा होकर इस बोर्ड की जब नाप लेता है तो नाप लेने के बाद वो इसकी वैल्यू निकालता है 5.7 सेंटीमीटर। हम देख रहे हैं तो इसमें एक मखसूस किस्म से सीरीज वाइज चेंज आ रहा है, 5.9, 5.8, 5.7। ये जो सीरीज वाइज इसके अंदर चेंज है इसे हम लोग क्या कहेंगे? प्रिसिएशन कहेंगे। अब प्रिसिएशन के बाद एक और टर्म जो अक्सर करके इस्तेमाल होता है उसे हम लोग क्या कहेंगे? एक्यूरेसी। अब देखते हैं कि हमारे पास एक्यूरेसी किस चीज को कहा जाता है। कहता है द नियरेस्ट वैल्यू ऑफ द ट्रू वैल्यू, द नियरेस्ट वैल्यू ऑफ द ट्रू वैल्यू, nearest value of true value is called accuracy। उसे हम लोग क्या कहेंगे? accuracy कहेंगे। अब देखते हैं कि देखिए इस तरह से मिसाल के तौर पर हम इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, सिंपल सा। आपको मुझे यहां तक के जो छोटे छोटे स्टूडेंट होते हैं, जो तीसरी चौथी क्लास के बच्चे, उनको भी आजकल के एजुकेशन के सिस्टम में पढ़ाया जाता है कि भाई जो हमारे पास प्योर वाटर होता है, जो हमारे पास प्योर वाटर होता है इसकी जो वैल्यू हमारे पास बनती है, जो इसका बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास है, इसका जो बीपी हमारे पास होता है वो 100 सेंटीग्रेड होता है। आपको भी पता है, मुझे भी पता है। लेकिन जब हम लोग इसकी मेजरमेंट करें, जब कोई बच्चा एक्स वाई या जेड इनमें से कोई भी एक एक्स आगे इसकी क्या करता है? मेजरमेंट करता है। जब उसने इसकी मेजरमेंट की तो जो पानी का बीपी हमारे पास आ जाता है वो है 99.9 सेंटीग्रेड। तो हम देख सकते हैं कि असल वैल्यू क्या है? 100 सेंटीग्रेड। और जो उसने निकाली है वो क्या है हमारे पास? 99.9, यानी कि 1.1 का फर्क है इसके अंदर, 0.1 का फर्क है। तो ये तकरीबन इसके क्या है? करीबी वैल्यू है, नियरेस्ट वैल्यू है। तो ये हमारे पास क्या कहलाएगी? एक्यूरेसी कहलाएगी, यानी कि इसका आंसर भी क्या है? तकरीबन सही है। तीन पॉइंट्स तक हमारे पास एक्यूरेसी चलती है। ये अगर हमारे पास क्या होता? 99.8 होता या 99.7 होता तो उसका जवाब सही है, लेकिन अगर इससे नीचे चला जाए तो फिर उसका जवाब गलत हो जाएगा। तीन पॉइंट्स तक हमारे पास क्या हो जाएगा? ये सही वैल्यू है उसकी। इसे लिख लें, इसके बाद एक और छोटा सा टॉपिक है जो अक्सर करके हमारे पास इस्तेमाल होता है, उसे कहते हैं एरर। कि भाई एरर किसे कहा जाता है? एरर कहते हैं डिफेक्ट इन मेजरमेंट इज नोन एज एरर। कोई भी डिफेक्ट आ जाए, डिफेक्ट इन मेजरमेंट इज कॉल्ड एरर। मेजरमेंट के अंदर जो हमारे पास डिफेक्ट आ जाए, कोई मसला आ जाए, वो क्या है? एरर। जैसे हमने अभी डिस्कस की कि ये अगर हमारे पास जो पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, वाटर का बीपी ऑफ वाटर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर वो है 100 सेंटीग्रेड,
पर जो हमारे पास एक स्टूडेंट है उसकी जो हमारे पास मेजरमेंट है वो क्या बन जाती है, वो आ जाती है 95 सेंटीग्रेड। अब ये वैल्यू हमारे पास क्या है, गलत है, इसमें एरर आ गया है। ये एरर कहीं से भी आ सकता है, किसी भी वजह से आ सकता है, पर इसमें असली वैल्यू में और इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है, इसे हम लोग क्या कहेंगे, एरर कहेंगे। एरर के हमारे पास कुछ एग्जाम होते हैं, टाइप्स ऑफ एरर। एरर के हमारे पास तीन टाइप्स होते हैं। अब देखते हैं वो तीन टाइप्स हमारे पास कौन से हैं। सबसे पहले नंबर पर जो एरर के अंदर हमारे पास टाइप आ जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उस टाइप को हम लोग सिस्टमैटिक एरर कहते हैं। जो पहले नंबर पर हमारे पास टाइप आ जाती है उसे कहते हैं सिस्टमैटिक एरर, सिस्टमैटिक एरर। अब सिस्टमैटिक एरर को आपकी बुक के अंदर एक और नाम भी दिया गया है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सिस्टमैटिक एरर को एक और नाम दिया गया है जिसे हम कहते हैं डिटरमिनेट एरर, डिटरमिनेट एरर। अब सिस्टमैटिक एरर क्या है, एरर कास्ट बाय एरर, एरर कास्ट बाय सिस्टम। मिसाल के तौर पर किसे सिस्टम से एरर कास्ट हो सकता है, सिस्टम से एरर कास्ट हो सकता है, ये हमारे पास एक बीकर मौजूद है। इस स्पीकर को हम लोग जब वायर गेज के ऊपर रख के क्या कर रहे हैं, आग दे रहे हैं, और एक हम लोगों ने इसके अंदर थर्मोमीटर इन किया हुआ है। जब हमने इसे हीट दी, इसके अंदर जो सॉल्यूशन मौजूद है हमारे पास वो H2O है। यकीनन हमें आपको बताया कि ये 100 सेंटीग्रेड पे बॉइल हो रहा है, लेकिन हमें दिखाई दे रहा है कि भाई ये 100 पे नहीं हो रहा, ये 97 के ऊपर बॉइल हो रहा है। यहाँ पर जो हमारे पास बीपी आ रहा है वो क्या है, 97। तो अब इस वैल्यू में और इसमें बड़ा फर्क है, मतलब ये गलत दे रहा है। तो हो सकता है कि ये एरर हमारे पास किस वजह से हो रहा हो, इस थर्मोमीटर की वजह से हो रहा हो। ये थर्मोमीटर हमारे पास क्या हो, खराब हो, जिसकी वजह से इसका जो है ये एरर काज हो रहा है। अब थर्मोमीटर हमारे पास क्या है, एक सिस्टम है, इसकी खराबी की वजह से ये एरर काज हो रहा है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, सिस्टमेटिक एरर कहते हैं। इट कैन बी रिमूव, इसे हम आसानी से रिमूव कर सकते हैं। कैसे, कि अगर हम लोग क्या करें, ये थर्मामीटर हटाकर इस जगह पे कोई नया वाला थर्मामीटर इस्तेमाल करें तो हम लोग आसानी से सिस्टमेटिक एरर या डिटरमिनेट एरर को रिमूव कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक टाइप थी एरर की। इसके बाद एक और टाइप होती है जिसे कहा जाता है रेंडम एरर। इसके बाद एक और टाइप होती है जिसे हम लोग कहते हैं रेंडम एरर। अब देखते हैं कि भाई हमारे पास रेंडम एरर किसे कहते हैं। रेंडम एरर मुख्तलिफ चीजों से हो सकता है, हमारे सिस्टम की वजह से भी हो सकता है, भाई सिस्टम में खराबी हो सकती है, हमने जो केमिकल लिया है वो अच्छे वाला ना हो, इस वजह से भी हमारे पास हो सकता है। और रेंडम एरर को हम लोग दूसरा नाम भी देते हैं जिसे हम अनडिटरमिनेट एरर भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम हमारे पास होता है ये अनडिटरमिनेट एरर भी कहलाता है। ये एरर हम लोग खत्म नहीं कर सकते, एरर कास्ड बाय रेंडमली, एरर कास्ड बाय रेंडमली और बाय ह्यूमन जजमेंट। ह्यूमन जजमेंट की वजह से हो, यहाँ जो एरर हमारे पास है वो किस वजह से हो, रेंडमली हो जाए, यानी कि कुछ इस मशीनरी की खराबी की वजह से, कुछ जो हम मिक्स करें उसके अंदर उसकी वजह से, और कुछ हमारे केमिकल की वजह से भी एरर आ सकता है। तो ये मुख्तलिफ जगहों से जो एरर हो रहा है वो हमारे पास रेंडम एरर कहलाता है।
जिससे कि हमारे शेयर के अंदर हमने हेपेटाइट सी की कलेक्शन करनी हो कि भाई कितने परसेंट हमारे शहर में मौजूद है। तो हम क्या करेंगे, कुछ सैंपल एक इलाके से लेंगे, कुछ दूसरे से, अलग अलग मोहल्ले जो है उनमें से कुछ कुछ लोगों के सैंपल लेंगे, तो सबकी तो टेस्ट नहीं कर सकते, तो कुछ कुछ के हम लोग क्या करेंगे सैंपल लेंगे, फिर उनकी टेस्ट करेंगे और उससे एक अंदाजन बता देंगे कि तकरीबन ये बीमारी इस शहर में इतनी है, तो वो रेंडमली कलेक्शन कहलाएगी। इसी तरह से जो थोड़ा थोड़ा सब चीजों की वजह से एरर आ जाए वो हमारे पास क्या कहलाता है, रेंडम एरर या अनडिटरमिनेट एरर। इट कैन नॉट बी रिमूव, इसे आप लोग रिमूव नहीं कर सकते, इट कैन नॉट बी रिमूव, इसे आप खत्म नहीं कर सकते, ये थोड़ा बहुत तो एरर आता ही है। इसी वजह से तो हमारे पास एक्यूरेसी का ऑप्शन दिया गया है कि अगर आपके पास थोड़ा सा चेंज आ जाए वो क्या है, वो भी सही है। इसके बाद जो हमारे पास दूसरी चीज आ जाती है उसे आखिरी एरर की टाइप, जो तीसरी टाइप एरर की आ जाती है उसे कहते हैं पर्सनल एरर। उसे क्या कहते हैं, पर्सनल एरर। अब देखते हैं कि पर्सनल एरर क्या है। पर्सनल एरर, एरर कॉज बाय पर्सनली, एरर कॉज बाय पर्सनली, ऐसा एरर जो पर्सनली काज हो जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं, पर्सनल एरर कहते हैं। इस तरह से हमारे पास तीन टाइप्स एरर की मुकम्मल हुई। इसके बाद हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे अब सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड राउंडिंग ऑफ डेटा।